हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कलाम एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि इस भारी महंगाई में आप कैसे 5 किलोमीटर दूर भी जब मोटरसाइकिल लेकर के आपको जाना पड़ता है तो 80 रुपए लीटर वाला पेट्रोल भराने में आपको जरूर 1 मिनट के लिए सोचना पड़ता होगा। ठीक इसी समस्या से परेशान होकर के शिशिर कर्मी रोशन कुमार मिश्रा ने ई बाइक बनाने का निर्णय किया है। ये ना सिर्फ ई बाइक बनाते हैं बल्कि इन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में उन लोगों को भी जो कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो चुके हैं और अपने पुराने किसी मोटरसाइकिल को वो ई बाइक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को ये ई बाइक बनाना सिखाएंगे। तो आने वाले कुछ वीडियोज के माध्यम से रोशन कुमार मिश्रा जी हम लोगों को ई बाइक बनाना सिखाएंगे। ये ई बाइक बैटरी से चलेगी, ये आप बिजली से इसको चार्ज कर सकते हैं, आपको पेट्रोल के लिए 1 भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है और ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाएगी। तो आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का ई बाइक जैसा इन्वेंशन हमारे इस समाज के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो हम जल्द स्वागत करेंगे रोशन कुमार मिश्रा जी का। फ्रेंड्स, हमारे बीच रोशन मिश्रा जी हैं और ये हमें मोटरसाइकिल को ई बाइक में जो कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए होता है आज वो हमें ये दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर रोशन मिश्रा जी आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को ई बाइक बनाने के लिए जो जरूरी सामान है उसे दिखाइए। धन्यवाद आनंद मोहन जी। अब सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, ये मेरा किट है जिससे मैंने 100cc बाइक को ई बाइक में कन्वर्ट किया है। तो ये किट को पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके बाद ही आपको बेहतर समझ में आएगा आनंद मोहन जी। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने किट को अनबॉक्स करता हूं आनंद मोहन जी, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया। दर्शक भी उत्सुक है आपका किट देखने के लिए। सबसे पहला चीज जो यूज होने वाला आइटम है सर जी, ये देखिए, ये BLDC 750 वाट का मोटर है। BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। डीसी मोटर। ये काफी पावरफुल मोटर है, ये 750 वाट का मोटर है। इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग 250 से 300 kg है। अच्छा। और ये मोटर है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये आगे इसमें चैन का गियर लगा हुआ है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जी 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 जी। और ये बीच में देखिए, ये गियर वाला पोर्शन है। बाइक में 2 से 3 लोगों को बैठा कर आसानी से लेकर। जी जी, निश्चित रूप से। फिर इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंट्रोलर। ये एक्सेलरेटर के जैसा है क्या? नहीं नहीं, ये कंट्रोलर है, इससे पूरा मोटर गाड़ी एक्सेलरेटर के साथ कंट्रोल होगा। अच्छा। इसका मैं कनेक्शन आपको अगले बार दिखाऊंगा। ये हमारा एक्सेलरेटर है, आप देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ हॉर्न बजाने के लिए मुझे दिखाई। जी जी जी, ये हॉर्न के लिए ये स्विच है। हॉर्न बजाएंगे क्या? जी। ये हमारा चार्जर है। अच्छा, बैटरी चार्ज करने के लिए। जी। इसमें हम लोग 48 वोल्ट बैटरी का यूज इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए 48 वोल्ट का ये मोटर है, इसलिए 12 वोल्ट का हम लोग 4 मोटर का इस्तेमाल करेंगे। 12 वोल्ट की 4 बैटरी। 4 बैटरी को इस्तेमाल करेंगे। जी जी। ये हमारा चार्जर है, इससे आप बैटरी चार्ज कीजिए। जी, ये बैटरी का चार्जर है। तो मिश्रा जी, ये जो किट आप जो बनाया है, ठीक है, जो ये किट जो आप इकट्ठा किए, तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या ये किट आप उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोई दर्शक कहीं रहता है, पंजाब में रहता है या कोई हिमाचल में रहता है, अगर वो भी ई बाइक बनाना चाहेगा तो क्या आप उसको ये किट प्रोवाइड करा सकते हैं? निश्चित रूप से प्रोवाइड कराऊंगा, बाइक के लिए, साइकिल के लिए, और आने वाले दिनों में मैं इसको कार के लिए भी किट प्रोवाइड कराऊंगा। और कार पे भी हमारा रिसर्च चल रहा है कि कार को कैसे हम लोग एक बार फुल चार्ज करने पे 100 से 200 किलोमीटर तक दूरी हम लोग तय करें, 60 से 70 के किलोमीटर पे 4-5 लोगों को लोड कैरिंग कैपेसिटी हो, इसमें हमारा एक रिसर्च चल रहा है। हमारे लोग हैं, 3-4 लोगों का मेहनती टीम है जो काम कर रही है, और कार पे अभी काम हो रहा है। बाइक पे हम लोगों ने और साइकिल पे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट को कर लिया है, इसको हम लोग चला के देख चुके हैं। बाइक ये एक बार जब फुल चार्ज होगी तो आनंद मोहन जी मैं आपको बता दूं, कम से कम 120 से 130 किलोमीटर तक। 120 किलोमीटर? जी।
तो ये तो जो बाइक जो हम लोग ई बाइक खरीदते हैं स्कूटी वगैरह, तो वो भी लगभग 60 से 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का ही बैकअप देता है। तो ये भाई हमने एक अलग जो मोटर का इस्तेमाल किया है, ये जो ब्रशलेस मोटर है, जी, इसका खासियत है पावर बहुत कम कंज्यूम करती है। अच्छा, और आगे हम दिखाते हैं अपने सामान के बारे में आनंद मोहन जी। ये हमारा एक कनेक्टर है जिससे हम वायरिंग में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये थे रोशन मिश्रा जी, और इन्होंने हमें बताया कि ई बाइक बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी सामानों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप भी ये ई बाइक अपने घर में बनाना चाहते हैं तो आने वाले वीडियो में रोशन मिश्रा जी आपको ई बाइक बनाना भी सिखाएंगे। और अगर आपको किट चाहिए, क्योंकि किट ये आपको आसपास के एरिया में मिलेगा नहीं, अगर आपको ये किट चाहिए तो आप ये किट ऑर्डर कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक में नंबर दिया गया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और रोशन मिश्रा जी आपको खुद से सेलेक्ट करके सामान को आपके पास होम डिलीवर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग रोशन मिश्रा जी का धन्यवाद करते हैं इस हमारे चैनल पर ई बाइक से रिलेटेड वीडियोस कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में हम लोग कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।